आपकी पहले क्रूजिंग में 12 से 13 एवरेज देती थी, तो अब आपकी 14 से 15 एवरेज देगी, क्रूजिंग की बात हो रही है। बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि अगर आप रश करोगे कार को, आप पुश करोगे। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। तो गाइस, आज है डे 239 हमारे चैलेंज का, और आप लोगों ने बोला था ना कि एवरेज पे एक टेस्ट करो, तो एवरेज का टेस्ट आज आपको मिल जाएगा वीडियो में, और देखेंगे कि नॉर्मल सिटी कंडीशन में जाम में एसी चला के कैसी एवरेज प्रोड्यूस करती है। पहले जाम में एसी वगैरह चला के अपने को 10 मिल जाती थी, मैक्सिमम 10 कह रहा हूँ, वरना 8-9 ही मिलती थी। और आज देखते हैं कि अब कैसे इम्प्रूव हुई है एवरेज। अगर कहते हैं क्रूजिंग पे इम्प्रूव हुई है, तो देखते हैं कैसे हुई है, प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे आपको, और चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। भाई देखो, एवरेज का जो सीन है ना, अपनी जो कार है, अगर आप क्रूजिंग पे चलाओगे ना इस कार को, जो ट्यूनिंग के बाद इफेक्ट आता है क्रूजिंग में, आपका ये होता है कि आपकी एवरेज ना इंक्रीज हो जाती है बाय 1 या 2 पॉइंट। अगर आपकी पहले क्रूजिंग में 12 से 13 एवरेज देती थी, तो अब आपकी 14 से 15 एवरेज देगी, क्रूजिंग की बात हो रही है। बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि अगर आप रश करोगे कार को, आप पुश करोगे, रील इन करोगे कार को, जहाँ पहले आपकी 8 या 9 पे गिरती थी, अब वहीं आपकी 6 या 7 पे गिरेगी। तो भाई, ये दोनों एस्पेक्ट्स है जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि अगर कोई ट्यूनिंग का डिसीजन ले रहा है तो। और जिन जिन्होंने कमेंट करा था कि भाई एवरेज की टेस्ट दिखाओ, तो अभी भाई हम गाड़ी में जाएंगे और आपको एवरेज टेस्ट करके भी बताएंगे पूरा, तो वीडियो में बने रहना। हाँ जी, तो गाइस हम लोग आ गए कार में, एंड अभी बस देखो कितनी चलाई है कार, 1 किलोमीटर ही चलाई है, 13 मिनट, 6.8 की एवरेज अभी आपको दिखा रही होगी रोड पे हम। और आज बेसिकली एवरेज टेस्ट करेंगे छोटा सा हम, मतलब क्योंकि हमने जाना है अराउंड 10-12 किलोमीटर्स दूर, और आना जाना हमारा 20 किलोमीटर प्लस हो जाएगा, तो उतने में अपनी एवरेज टेस्टिंग तो हो जाएगी, क्योंकि अभी हम सिटी में देखो, अब रेड लाइट भी आ गई, जाम भी मिलेगा थोड़ा, आराम आराम से ही चलाएंगे क्रूजिंग करके, रश वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब भाई स्टेज 1 ट्यूनिंग के बाद बेस्ट एवरेज कितनी दे देती है अपनी स्कॉडा को शॉक। देखो आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन है, तो इसलिए अभी कार खुद बंद हुई है, रेड लाइट है क्योंकि, तो अभी जैसी रेड लाइट कम हो जाएगी, देखो स्टेयरिंग करा और अपनी कार वापसी स्टार्ट हो गई। तो आगे चलता हूँ, अब अभी लगभग 10 मिनट बाद आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या एवरेज मिल रही है मेरे को। गाइस आ गया हम ऑलमोस्ट फ्लाईओवर पे, और एसी चल रहा है एक पे, पहले बता दूँ आपको कि आप लोग कहीं सोचो कि एसी ऑफ में भाई इतनी एवरेज दे रही है, तो नहीं भाई, एसी ऑन है और चिलनेस पे ऑन है, तो 10.3 आपको दिखा रही होगी। और अब कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर हम फ्लाईओवर पे, और देखते हैं कि एवरेज कैसे इंक्रीज होती है। 6th गियर डाल दिया यार, ये देख लो 1200-1300 RPM पे होएगी, 6th गियर डाल दिया, आराम से क्रूजिंग करेंगे 60 की स्पीड पे, जितनी हो पाई, कहीं कहीं कम भी करना पड़ेगा तो कम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। ये देखो 10.4 इंक्रीज हो गई। अब बस हमें यही देखना है कि भाई एवरेज क्रूजिंग जो कहते हैं कि भाई क्रूजिंग में बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है। 1 मिनट देना, अब 1-2 मिनट बाद आपको मैं कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। 10.5 ऑलरेडी हो चुकी है आपके सामने। भाई मैं तो भाई बड़ा खुश हूँ यार, ये एवरेज बहुत अच्छी दे रही है, 10.6 की देखो चल रही है, और नॉर्मल कंडीशन है, देखो जाम भी मिल रहा है बीच बीच में, रेड लाइट भी आ रही है बार बार, और स्लो भी चल रही है कार बार बार, बट एवरेज बहुत अच्छी दे रही है, 10.8 होगी देखो। अब यहाँ रेड लाइट पे हम रुक जाएंगे, हाँ अभी, बट इतना आपको बता दूँ, मैं पुश नहीं कर रहा, मैं रैश नहीं चला रहा, और मैं भगा बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन, बिल्कुल स्लोली आराम आराम से नॉर्मल RPM पे चला रहा हूँ, 1500 या फिर 2000 मैक्स, उसके ऊपर नहीं जा रहा। तो अभी तक तो भाई 11 की एवरेज निकल गई, बहुत सही लग रही है। एंड किलोमीटर कितने चल लिए हम, वो है 4 किलोमीटर चले भाई अभी तक हम, सिर्फ 11 की एवरेज, बाकी अभी पहुँचते हैं वहाँ पे और 5-7 किलोमीटर हो जाएंगे कम से कम, फिर आपको मैं प्रॉपर एवरेज बता दूंगा कि वन वे की कितनी एवरेज मिल गई मेरे को। सो गाइस पहुँच गए हम जहाँ मैं पहुँचना था, और सही एवरेज देगी ये, देखो ये 13 किलोमीटर है वन साइड, और एवरेज भाई 12.9, 13 की एवरेज दे दी, ठीक है सिटी कंडीशन में, थोड़ा जाम भी था बीच बीच में, रेड लाइट भी बार बार आई, कार बार बार रुकी, और ज़्यादा तेज चली भी नहीं। अगर एवरेज स्पीड भी दिखाऊँ तो मैक्स 14-15 की होगी हमारी एवरेज स्पीड, देखिए एक बार कितनी की एवरेज स्पीड, हाँ 19 की भाई, देखो 19 की एवरेज स्पीड है, मतलब 20 के भी नीचे देखो, तो मतलब क्या ही चली हुई की कार। तो इस हिसाब से तो भाई एवरेज स्टेज 1 के बाद इम्प्रूव हो गई, पहले इसी कंडीशन में अपनी 10.5-11 तक दे देती थी, तो चलो इम्प्रूव ज़्यादा नहीं, 2 तो हुई है, बट अभी इतने में ही इम्प्रूव होना भाई ठीक है, और अभी बढ़ेगी गाइस। तो बाकी यही थी कुछ वीडियो, हम लोग मिलते हैं घर जाके बहुत जल्दी। आई होप सबने वीडियो को एंड तक देख लिया होगा, और अगर हम बात करें एवरेज की, तो भाई जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया
कि अगर आप ट्यूनिंग के बाद क्रूजिंग पे चलाओ तो आपकी एवरेज फॉर श्योर इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर आप रश करो तो आपकी एवरेज कम हो जाएगी। जहाँ आपको पहले रशिंग में 8 से 9 मिलती थी वहाँ आपकी 6 से 7 गिर जाएगी, जहाँ आपको क्रूजिंग पे 11 से 12 मिलती थी वहाँ आपकी 13 से 14 कम से कम बढ़ जाएगी। तो हमने जो कवर करा था उसमें बता दूँ जाम था, एसी भी हमारा ऑन था अच्छी स्पीड पे और चिलनेस भी फुल थी, तो हमने बिल्कुल नॉर्मल सिटी कंडीशन में लगभग 12:30-13 की निकाली, मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पे एंड वो वीडियो में। तो आई होप सब सैटिस्फाइड हो गए। बाकी कभी हमें ज़्यादा कोई लंबा जगह मिलेगी कि हम ज़्यादा कवर कर पाए तो हम फिर से आपके लिए वैसा कुछ करके लेंगे और बेस्ट एवरेज भी बता देंगे आपको। बाकी यही थी कुछ आज की वीडियो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।